देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। The smallest and largest values of tan inverse 1 minus x upon 1 plus x और x दिया है between 0 and 1। तो इस फंक्शन की स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू निकालनी है, मतलब इस फंक्शन की रेंज चाहिए और x दिया है 0 और 1 के बीच में। देखो जैसे इस प्रकार का फंक्शन हमें दिया जाए, देखो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स वाई 1 प्लस एक्स, देखो इस टाइप का टर्म जब भी कभी आएगा तो आप क्या करोगे, x को tan थीटा पुट कर दोगे। देखो ये क्या हो जाएगा 1 का मतलब tan पाई बाई 4 tan थीटा अपॉन 1 प्लस, देखो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा, क्योंकि देखो यहां भी x इंटू 1 मान सकते हैं और 1 का मतलब क्या हो गया बोलो tan पाई बाई 4। देखो ये 1 का मतलब tan पाई बाई 4 माइनस x, यहां 1 तो 1 ही रहेगा, x इंटू 1 तो x इंटू 1 और इंटू 1 को क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 और x को लिख दिया tan थीटा। ठीक है, देखो इससे क्या फायदा हुआ, ये फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला बोलो, tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा का फार्मूला है ना, tan ऑफ a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। देखो ये फार्मूला बन गया। अब देखो tan इनवर्स ऑफ tan x वाला केस बन गया, तो अब हम देखो इसकी वैल्यू देखेंगे आखिर कहां से कहां। देखो ध्यान दो, x को माना है 0 से 1 तक, तो थीटा क्या होगा, ये होगा 0 से पाई बाई 4 तक, ध्यान दो क्योंकि x बराबर tan थीटा है। अच्छा देखो माइनस थीटा क्या होगा, ये होगा माइनस पाई बाई 4 से 0 तक, इसमें पाई बाई 4 जोड़ दो तो पाई बाई 4 माइनस थीटा होगा 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक, ध्यान दो है ना। तो देखो इस टर्म की वैल्यू 0 और पाई बाई 4 के बीच में है, है ना। तो जब इस टर्म की वैल्यू 0 और पाई बाई 4 के बीच में, देखो याद करो tan इनवर्स ऑफ tan x को क्या लिख सकते हैं, x है ना। देखो ये ग्राफ होता है इसका tan इनवर्स ऑफ tan x का, देखो ये कहां से कहां तक, अगर x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होता है, ठीक है, तो जब हमारा x माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है तो इसकी वैल्यू को हम लोग x के बराबर लिख सकते हैं। देखो ये इसका ग्राफ होता है y बराबर x लाइन, इस इंटरवल में माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 के बीच में इसका वैल्यू क्या होता है, y बराबर x। देखो तो देखो अब ये जो एंगल है ये 0 से पाई बाई 4 तक है, तो एंगल 0 से पाई बाई 4 तक है तो इसका मतलब इसको हम लोग x के बराबर लिख सकते हैं, है ना। tan इनवर्स ऑफ tan x की वैल्यू क्या आ गई बोलो, x के बराबर, पर एंगल क्या है बोलो 0 पाई बाई 4 के बीच में, तो अगर एंगल यहां से यहां तक है तो इसको हम x के बराबर लिख सकते हैं, है ना। अगर एंगल यहां से यहां तक है तो देखो इसको x के बराबर लिख सकते हैं, और देखो जो एंगल है वो 0 से पाई बाई 4 के बीच में है, 0 से पाई बाई 4 के मतलब इसके बीच में ही आएगा, तो उसको हम x के बराबर इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि देखो वो उस इंटरवल के ही बीच में एंगल आ रहा है 0 से पाई बाई 4 तक, ठीक है। तो देखो इस पूरे का रिजल्ट क्या आ गया, पाई बाई 4 माइनस, और थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा को लिख सकते हैं tan इनवर्स x, है ना। तो पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करके हम ले आए हैं पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स x के बराबर। तो हमारा देखो जो टर्म था ये tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x, इस टर्म को हम लिख पा रहे हैं पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स x के बराबर, है ना। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन होगा इसको इस फॉर्म में हमेशा हम चेंज कर देंगे। देखो अब हमें x क्या दिया गया, फिर देखो देखो x दिया गया है 0 से 1 तक, है ना। तो देखो tan इनवर्स x क्या होगा, tan इनवर्स x होगा 0 से पाई बाई 4 तक, देखो यही आ गया, ठीक है, x 0 से 1 तक है तो tan इनवर्स होगा 0 से पाई बाई 4 तक। अब देखो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस tan इनवर्स x कहां से कहां तक होगा, ये होगा माइनस पाई बाई 4 से 0 तक, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे ये यहां जाएगा, ये इनइक्वालिटी चेंज। अब पाई बाई 4 देखो ऐड कर दो, तो जब हम पाई बाई 4 ऐड करेंगे
तो इधर हो जाएगा जीरो और इधर क्या हो जाएगा पाई बाई फोर। मतलब देखो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आ गई जीरो और पाई बाई फोर के बीच में। तो इसका मतलब ये हो गई पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और ये हो गई पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, है ना। इस पूरे फंक्शन की रेंज चाहिए थी तो हमने पहले टेन इनवर्स को देखा। टेन इनवर्स को देखने के लिए पहले x को देखना पड़ेगा, x की हेल्प से टेन इनवर्स आया, टेन इनवर्स की हेल्प से माइनस टेन इनवर्स आया, फिर पाई बाई फोर उसमें दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो रिजल्ट क्या आ गया बोलो, जीरो से पाई बाई फोर के बीच में। तो पूरे फंक्शन की रेंज क्या आ गई जीरो से पाई बाई फोर के बीच में, तो ये हो गई इसकी मिनिमम वैल्यू और ये क्या होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू। यही देखो अपने क्वेश्चन का आंसर भी है, जीरो है मिनिमम वैल्यू और पाई बाई फोर क्या है बोलो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान दो। ठीक है, तो ऐसे करना है हमें इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको।